Hi guys! So firstly, I hope you are all doing well and staying safe. For all of you who don't know me, my name is Neha and I love cooking, and today is Walnut Day, so I am going to be sharing some really good walnut recipes with you. They are going to be very interesting. Hi Madhuji. Hello Lataji. So yeah, today's workshop is going to be very interactive. मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में बात करूँ, and then अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. जब चल रहा है you can ask me then. हो सकता है that I might miss the question, लेकिन just in case I do miss the question you can just paste it once again. So like I mentioned, आज वॉलनट डे है. इट्स नेशनल वॉलनट डे, एंड वी ऑल नो कि अखरोट जो है ये बहुत ही अमेजिंग नट है. इसके फ़ायदे तो खैर सभी को पता है. अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव गिवन इट टू योर किड्स ग्रोइंग अप. माय मॉम गिव हमें बहुत सारे वॉलनट्स. एवरी डे वॉलनट खाना वॉज कंपल्सरी, एंड I really think that American walnuts are very nice. So India में obviously we know के walnut उगता है कश्मीर में, लेकिन इतना walnut नहीं उगता है in India that हमारे पूरे देश को enough पड़े. इसलिए ज़्यादातर जो walnut है India में वो import होता है, and imported walnuts में जो American walnuts यानी कि जो Californian walnuts होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं. These are sun ripened, यानि कि इसे धूप में रख के राइप किया जाता है. वी ऑल नो दैट वॉलनट इज़ अ पावर हाउस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड दैट मेक्स इट अमेजिंग. ओके, सो खैर जो हमारी आज की रेसिपीज़ है ये दो रेसिपीज़ है, एंड इन रेसिपीज से आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं. सो जो मेरी पहली रेसिपी है आज की वो एक स्प्रिंग रोल. काफ़ी ईजी है. इसमें मैं आपको स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है यानी कि जो उसका ऊपर का रैपर होता है वो बनाना भी सिखाऊंगी, एंड इसी के साथ जो इसकी फिलिंग है हम थोड़ी सी अलग फिलिंग करेंगे. हम स्पिनिच पनीर और वॉलनट की फिलिंग करेंगे. ये थोड़ी सी ग्रीक स्टाइल की फिलिंग है, काफ़ी टेस्टी है. इसी के साथ जो हमारी सेकेंड रेसिपी है वो है एक कबाब. यू नो सो इट्स अ हेल्दी कबाब. यू नो एवरीबडी लाइक्स ईटिंग स्टार्टर्स, एंड अक्सर जो स्टार्टर्स होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं. जो हमारा आज का कबाब है दिस इज़ नॉट डीप फ्राइड. हम बनाने वाले हैं अखरोट एंड पनीर मलाई का पापड़ कबाब. यू नो सो अगेन वील ट्राई कि हम इसे जितना हेल्दी रख सके. दोनों डिशेज़ को हम हेल्दी रखेंगे. फ्राई हम कुछ भी नहीं करेंगे, स्प्रिंग रोल्स भी हम बेक करेंगे. तो सबसे पहले मैं जो अपना ओवन है उसे ऑन कर देती हूँ. सो ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया है. याद रखिए आप कुछ भी बेक कर रहे हैं, वेदर कुछ भी, यू नो वेदर इट इज़ कुकी, केक, ब्रेड, कोई भी चीज़, हमेशा याद रखें दैट बेकिंग के लिए प्री हीटिंग इज़ अ मस्ट. ठीक है, सो दिस इज़ अ थंब रूल. बेकिंग करते समय यू नो प्री हीटिंग इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. ओके, बाय द वे गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर सेशन, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्टेस्ट अनाउंस करने वाली हूँ, जिसके द्वारा आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा. एंड जो लोग ने हमारे प्रीवियस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था यू गाइज नो दैट हाउ अमेजिंग ऑल दीज गिफ्ट्स वर. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट. तो हमारी आज की रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम पहले बनाएंगे हमारे स्प्रिंग रोल्स. स्प्रिंग रोल्स बेक होएंगे तब तक हम बनाएंगे कबाब. पैरेलली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे. एंड जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हेलो वेलकम. हम बना रहे हैं आज सारी की सारी डिशेस अखरोट से. सो अखरोट तो खैर सभी के लिए सभी को पता है कि अखरोट के कितने अच्छे कितने सारे फ़ायदे हैं. इट इज़ वेरी वेरी हाई ऑन प्रोटीन एंड ओमेगा 3. इसे अपने डाइट में डालना ना भूलिएगा. बहुत तरीके हैं इसे डाइट में डालने के. रेगुलरली जैसे हम खाते हैं थोड़ा सा टोस्ट करके खा ही सकते हैं, लेकिन
इसकी जब आप रेसिपीज बनाएंगे इवन बेटर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रेसिपी की एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल का फिलिंग। ठीक है, सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे हम, बहुत ही आसान है। एंड मैं कैमरा फ्लिप करूंगी तो एक सेकंड के लिए कनेक्शन थोड़ा सा वेवर करेगा। ओके, अमेजिंग। ओके, सो ठीक है, ये हो गया। ओके, आई थिंक आप सब मेरा कुकिंग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप। ओके, फैबुलस। सो गाइस, बनाते वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देख पाऊँगी आपके, कोशिश करूँगी कि देखें हम। मैं एक और डिवाइस से लॉगिन कर लेती हूँ ताकि आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मैं आपके क्वेश्चंस भी लेती जा सकूँगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे वी विल बी मेकिंग द फिलिंग। फिलिंग बनाना बहुत आसान है गाइज, इट्स वेरी वेरी ईजी। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैन में, तो हमारी जो आज की फिलिंग है इसमें हम डालेंगे स्पिनिच। सो ये रहा स्पिनिच, यू नो, सो वी विल बी हैविंग सम स्पिनिच, गार्लिक रहेगा, अनियन रहेगा, पनीर डालेंगे एंड ऑब्वियसली वॉलनट्स। सो ये जो वॉलनट है, अक्सर मैं जिस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि हाउ आई यूज़ वॉलनट इन मोस्ट ऑफ माई रेसिपीज। सो जो वॉलनट है इसे मैं हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ। टोस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है अवन में आप इसे बिछा दें, जैसे एक ट्रे है अगर आपके पास, यू नो, उस पर बस ये वॉलनट्स डाल के अवन में 10 मिनट 180 डिग्रीज पर अगर आप करेंगे इट विल बी परफेक्ट। इससे जो इसकी खुशबू है वो और भी अच्छी हो जाएगी, एक बहुत ही अच्छा सा टोस्टेड नोट आएगा एंड ऑल इन ऑल इट जस्ट टेस्ट वेरी वेरी नाइस। तो सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी थोड़ा सा घी या फिर तेल या फिर बटर, आपको जो फैट मीडियम डालना है आप वो डाल सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, लाइक आई मेंशन यू कैन पुट व्हाटएवर, यू नो, आइदर इज ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑयल ही डालना है या घी ही डालना है, यू कैन पुट व्हाटएवर यू लाइक। ओके, सो नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी गार्लिक। सो ऑब्वियसली यू नो ये जो कॉम्बिनेशन है गार्लिक स्पिनिच पनीर या फिर रिकॉटा एंड वॉलनट, दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन। सबसे अच्छी बात इस फिलिंग की ये है कि आप इस फिलिंग को मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट फॉर पाइज, यू कैन यूज़ इट फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ यूजिंग इट। सो ये रहा, तेल थोड़ा गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे लहसुन। ओके, हमेशा लहसुन को हल्का सा भूने, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा भूनना है। सो इसे मैंने भून लिया है, जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, यू विल बी एबल टू स्मेल द नाइस फ्रेग्रेंट गार्लिक। गार्लिक जैसे ही थोड़ा सा भून जाए आप इसमें डालें थोड़ा सा प्याज। सो ये कटा हुआ प्याज है, बारीक कटा हुआ प्याज है। ओके, सो ये बारीक कटा हुआ प्याज हम डाल रहे हैं। हेलो हेलो पिंकी जी, हेलो मनु जी, हाय लीना जी, हेलो एवरीवन। सो गाइज नाउ आई कैन रीड योर क्वेश्चंस ऑल्सो। सो अगर आपके कोई सवाल है वॉलनट को लेके तो आप वो भी डाल सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू यू नो एड्रेस टू दोज क्वेश्चंस एज वेल, कि आप वॉलनट कैसे यूज करना चाहते हैं, यू नो वॉलनट ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बहुत ही वर्सेटाइल नट है, यू नो इसको यूज करने के मल्टीपल तरीके हैं, यू कैन यूज इट फॉर बेकिंग, यू कैन यूज इट फॉर यू नो लाइक सेवरी डिशेज, देर आर लॉट्स ऑफ वेज। एवरी डे हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मुट्ठी वॉलनट, जिसे हम कहते हैं हैंडफुल ऑफ वॉलनट, उतना तो हमें खाना ही चाहिए। ओके, सो जैसे ही अनियन थोड़ा सा पक जाए इट बिकम्स स्लाइटली पिंक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का पिंक हो जाए, तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लें।
इट्स ऑलवेज नाइस टू सीजन एज यू गो. सीजन एज यू गो का मतलब है जैसे जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, उसको सीजनिंग आप देते जाइए. ओके, सो हियर ये मैंने अनियन पका लिया है. नाउ नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी स्पिनच, यानी कि पालक. पालक को मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया है. ब्लांचिंग का मतलब है गरम गरम पानी में आप पालक डालें एंड जैसे ही पालक थोड़ा सा विल्ट हो जाएगा उसे निकाल के ठंडे पानी में डाल लीजिए. सो हियर इन गोज द स्पिनच. अगेन स्पिनच इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, इट्स सुपर न्यूट्रिशियस, सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग. इसे हमें पका लेना है. बस यहाँ पे हमें पकाने का जो रीज़न है वो ये है कि जो पालक में पानी है वो हल्का सा सूख जाए. यू नो, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए फिलिंग. हमेशा जब भी आप कुछ भी बना रहे हैं जस्ट रिमेम्बर कि फिलिंग शुड नॉट बी वेरी वेरी वेट. ठीक है, ये एक थंब रूल है कोई भी फिलिंग का. ओके, जब भी कोई भी फिलिंग में पनीर डाल रहे हैं जस्ट रिमेम्बर पनीर डाल के पकाना नहीं है. ऑलवेज पकाएं पनीर डालने से पहले. अगर आप पनीर डालने के बाद भी पकाएंगे तो जो पनीर है वो हल्का सा चूई हो जाएगा. चूई यानी कि वो थोड़ा सा चीटा चीटा सा हो जाएगा. बिकॉज रिमेम्बर कि हम इसे बाद में भी पकाने वाले हैं ओवन के अंदर जब हम इसे बेक करेंगे एंड वी डोंट वॉन्ट दैट. नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ओरिगनो. ओरिगिनो एंड बेजल, अगर ये नहीं है तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं. थोड़ी सी ग्रीन चिली. ग्रीन चिली ऑप्शनल है, इट इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली लाइक, इसलिए मैं डाल रही हूँ. ओके, गैस कर लेंगे बंद. ये जो वॉलनट है ये ऑलरेडी टोस्टेड है, यानी कि मैंने इसे भुना हुआ है तो हमें इसे अब पकाने की ज़रूरत नहीं है. बस अब हम इसमें वॉलनट डालेंगे एंड वी विल कंबाइन दिस इस तरह. अमेजिंग. ओके, गैस हमने बंद कर लिया है, अब गैस ऑन नहीं है. अब जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हमारा पनीर. ओके, सो लेट दिस कूल डाउन एंड ओनली वंस इट कूल्स डाउन वी विल ऐड द पनीर. ठीक है, तो हम इसे रख लेते हैं साइड पे. एंड व्हाइल दिस इज साइड पे मैं आपको सिखाऊंगी कि जो स्प्रिंग रोल का रैपर है आप घर पे कैसे बना सकते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसे बनाना कितना आसान है. ओके, सो जस्ट सेशन के पहले मैंने ये आटा लगा के रखा है यहाँ पे. आप ये देख सकते हैं ये जो आटा है, ये काफ़ी सॉफ्ट सा आटा है. जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर कि आटा सॉफ्ट होना चाहिए. जब आप इसे टच करें तो आपकी जो फिंगर का इम्प्रेशन है वो इसमें बनना चाहिए. अब मैं आपको इस आटे के प्रपोर्शन बता देती हूँ. आप एक कप आटा ले सकते हैं, एक कप बेसिकली जो फ्लावर का कंटेंट है वो है वन कप. आधा आटा आधा मैदा ले लीजिए. 100% मैदा भी ले सकते हैं, 50-50 आटा मैदा ले सकते हैं, 100% आटा भी ले सकते हैं. ठीक है, वन कप आटा में आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे. कॉर्नफ्लावर यानी कि जो कॉर्न स्टार्च होता है वो. एक छोटा चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है. एक छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है एंड पानी डाला है. ओके, पानी डाल के आटा मैंने गूंथ लिया है. इसको अब हम पोर्शन आउट करेंगे. जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट के इक्वल साइज का हो. ओके, बनाने के बाद आटा लगाने के बाद मैंने इसे करीबन 20 मिनट के लिए साइड पे रखा था. सो 20-20 ग्राम्स के मैं पेड़े निकाल रही हूँ. आप अंदाजे से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो आपको वज़न करना ही है. यू कैन जस्ट डू दिस अंदाजे से. सो मैं 25 ग्राम्स के एक्चुअली पेड़े निकाल रही हूँ. सो हियर 3 पेड़े निकालेंगे हम.
मैं आपको बताऊंगी कि ये हम कैसे बनाने वाले हैं, बिल्कुल जैसे यू नो प्रोफेशनली लोग बनाते हैं बिल्कुल उस तरह ही हम बनाएंगे हियर। सो जस्ट रिमेम्बर कि हमेशा जो बैलेंस आटा है उसे हमेशा कवर्ड रखना है। सो हियर ये जो आटा है इसे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे गैस पे एक तवा चढ़ा रही हूँ, जो नॉर्मल अपना तवा होता है रोटी बनाने का वो तवा मैं चढ़ा रही हूँ। सो हियर सबसे पहले इसे रोल कर लीजिए इस तरह, करीबन 3 इंच का सर्कल हमें रोल करना है, करीबन 3 इंच का, ठीक है। जो बाकी के 2 हमने पेड़े निकाले हैं उसके भी हम सर्कल्स बनाएंगे। सो गाइज मैंने मैदा लिया है, बट लाइक आई मेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा 50-50 इज ऑलवेज बेटर। ओके जस्ट रिमेम्बर कि सेम साइज, जितना आप सेम साइज के बना सकते हैं कोशिश करिए कि सेम साइज का है तीनों आपके सर्कल्स, बिल्कुल इस तरह। यहां ये हो गया थर्ड पेड़ा, सो हियर बिल्कुल सेम साइज के पेड़े बनाने हैं हमें, सेम साइज के बेलने हैं ये पेड़े, कोशिश करिए कि सेम साइज के हैं। इस पे एक के ऊपर एक रख के देखें कि ये सेम साइज के है या नहीं। ओके दीज आर मोर और लेस द सेम। अब ये हमारे पास 3 पीसेस हो गए हैं इस तरह। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, जस्ट पुट अ नाइस पतला सा लेयर ऑफ ऑयल, 2 पे लगाना है, 3रे पे नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ 2 पे ही लगाएंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि सूखा जो आटा है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे स्प्रिंकल इस तरह। ओके और इसे यूं थोड़ा सा थपथपा दें, परफेक्ट। ये इसके ऊपर यूं, एंड ये जो 3रा वाला है ये इसके ऊपर। ओके नाउ ऑब्वियसली हमें इसे थोड़ा दबाना है तो इसे यूं दबाएं, अमेजिंग। अब सूखा आटा लेकर हमें इसे बेलना है, इस तरह बेलेंगे। ओके अब कोशिश करेंगे कि हम इसे पतला बेलें। सी इसे 3 हमने अभी परत दी है, इसे 3 परत देने का रीज़न ये है ताकि ये पतला इवेंचुअली जो हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स है वो एकदम पतली अच्छी निकले। परफेक्ट प्रोफेशनली जो लोग बनाते हैं समोसे या फिर स्प्रिंग रोल्स वो लोग 7-7 लेयर की ऐसी थप्पी बनाते हैं। ऑब्वियसली हम 7 तो नहीं बना रहे हैं लेकिन 3-3 इज एब्सोल्युटली डूएबल, 3-3 आप कर सकते हैं। ओके ब्रिलियंट, ओके सो मैंने इसे बेल लिया है,
ऑब्वियसली कोशिश की है कि हम इसे पतला ही बेलें, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें. ओके, अब ये पतला अच्छा खासा बिल चुका है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम इसे तवे पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 seconds ही पकाना है. हेलो मनीषा जी. ओके, अमेजिंग. सो यहाँ पे मैंने गैस ऑलरेडी ऑन रखा हुआ था, ठीक है. अब हम इसे इस पे डालेंगे. ओके, एंड नाउ वी विल बी कुकिंग दिस ओनली 20 seconds ऑन ईच साइड, ठीक है. सो 20 seconds, ज़्यादा नहीं. जैसे ही आपको लगेगा कि इस पे ब्लिस्टर्स आ गए हैं, हल्के हल्के दाने दिखने आपको, हियर यू कैन सी, ये थोड़े थोड़े दाने उठने लगे हैं. जैसे ही थोड़े दाने उठने लगे हम इसे पलट देंगे. इस पर हमें निशान नहीं चाहिए, वी डोंट वॉन्ट डार्क स्पॉट्स, ठीक है. जस्ट रिमेंबर, डार्क स्पॉट्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है. ओके, ये देखिए हल्के हल्के दाने ऑलरेडी इस तरफ भी आ चुके हैं, एंड वी आर डन. ओके, सो इसे हम ले लेंगे यहाँ साइड पे, ठीक है, परफेक्ट है. सी नाउ, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसे सर्कल्स में भी निकाल सकते हैं. सी अभी इसकी परतें हमें अलग करनी है, तो एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट जो सर्कल है सर्कल्स निकाल लें, अगर स्क्वायर काटना चाहते हैं तो स्क्वायर काट के निकाल लें. ओके, इट्स अप टू यू. लेकिन जब ये हल्का हल्का वॉर्म है तभी ये करना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी परतें जो हैं ये अलग नहीं होंगी. ओके, जस्ट रिमेंबर यू हैव टू डू दिस वाइल दिस इज स्टिल हॉट, ठीक है. बहुत सावधानी से करना होगा. सो व्हाट आई यूजुअली डू इज मैं हल्का सा इसके एजेस काट लेती हूँ. तो इससे पहले वाला जो बैच मैंने बनाया है उसमें मैंने एजेस काट ली थी, वो थोड़ा और आसान हो जाता है अलग करना. धीरे धीरे, वेरी जेंटली. ओके, बी जेंटल, थोड़ा पेशेंस से अगर आप करेंगे तो ये बहुत ईजिली, ये देखिए ये हो गई आपकी पहली शीट. यहाँ इसे हम यहाँ रख देंगे. एक हमेशा कवर्ड रखना है, जस्ट रिमेम्बर हमेशा कवर्ड होना चाहिए. अब ये जो सेकेंड शीट है ये रही. सी एजेस थोड़े से मोटे होंगे, उसे कट कर लेना ज़्यादा अच्छा ही होता है हमेशा. हियर डू यू सी, बिल्कुल जैसे बाहर की स्प्रिंग रोल की शीट्स होती हैं जो फ्रोजन पैक्स मिलते हैं, ये उससे भी अच्छा बनता है घर पे. अगर हल्का फुल्का फट जाता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम गाइज, इट्स फाइन, बट लाइक आई मेंशन बी जेंटल. बट कहीं कहीं से अगर फटता भी है इट्स एब्सोल्युटली ओके. ये देखिए ओके, इट्स मोर और लेस डन. फैबुलस. सो हियर यू कैन सी एकदम पतली, आप मेरी उंगली देख सकते हैं. अगर मैं इसके नीचे न्यूज़पेपर रखूंगी तो आप पढ़ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है. सो ये हो गई हैं तैयार. लाइक आई मेंशन, अगर थोड़ा सा फट जाता है इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, बस एक चीज़ याद रखना है, हमेशा इसे कवर्ड रखना है. सो हियर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ शीट्स बना के रखी थी. ये देखिए मैंने इसको ऑलरेडी कट कर लिया था इस तरह. सो यू कैन ऑलवेज कट इट इफ़ यू'ड लाइक, ज़्यादा ईजी हो जाता है. So here, I'm going to keep this aside. Now, going back to हमारी filling. So ये रही हमारी filling. इसमें अब हम crumble करके पनीर डालेंगे. पनीर डाल के थोड़ा सा नमक वगैरह we will just put. And yes guys, you have to do this really आराम आराम से, प्यार से करना है. You know, don't be very hasty. इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ. अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, जो रेगुलर हमारा अमूल चीज़ या फिर
कोई भी चीज होता है यू कैन जस्ट पुट रेगुलर चीज इसके अंदर. दिस इज वेरी गुड फॉर किड्स. आप इसको पराठे में स्टफ कर सकते हैं. ये जो मसाला पालक और अखरोट का मैंने बनाया है, आप इसे यू नो यू कैन मेक पराठाज आउट ऑफ दिस ऑल्सो. सो इट्स अप टू यू. आप इसको मोमोज में स्टफ कर सकते हैं गाइस. आप यू नो मोमोज इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. सो ओके, अब फाइनली इसमें थोड़ा सा नमक पेपर जो भी आप डालना चाहते हैं सीजनिंग की तौर पे, उसे डाल के इसे फाइनल कर लीजिए. सो आई विल जस्ट टेस्ट दिस एंड देन एडजस्ट द सॉल्ट एंड पेपर. अमेजिंग. बाय द वे आप इसको रैवियोली में भी डाल सकते हैं. ओके, फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आपको इसकी डिटेल्ड एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए, मैं इसे कुकपैड पे अपलोड करने वाली हूँ मेरी प्रोफाइल पे. साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी काफ़ी सारी रेसिपीज हैं. सो ये सारी आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी. फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट फॉलोइंग मेरे इंस्टाग्राम, प्लीज चेक आउट द पेज. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेसिपीज. यू विल गेट अबाउट 100-150 रेसिपीज तो है ही, उससे ज़्यादा ही होंगी. एवरी डे आई ट्राई टू पुट समथिंग. ओके, यहाँ पे मैंने मैदा और पानी मिक्स करके घोल बना लिया है. ठीक है, वी विल कीप दिस असाइड. अब हम इसे रोल आउट करेंगे. नाउ सी, रोल आउट करना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है. सबसे पहले इसे डायगनली रखिए. डायगनली यानी डायमंड शेप में आपकी तरफ सेंट, और फिलिंग अच्छे से डालिए. ऐसा नहीं होना चाहिए फिलिंग कम है. सो फिल इट वेल. ओके, तभी जाके जो वॉलनट है, स्पिनच है, ये सबका टेस्ट प्रॉपरली आएगा आपको. ओके, कोशिश करिए कि ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप इसे रख रहे हैं. नाउ थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिए. ओके, ये ना अभी ये आपका ग्लू बनेगा, तो इसे हल्का हल्का यहां लगा लीजिए. ठीक है, इसे हम यू रोल करेंगे. ये जो है इसे यहां लगाएंगे हल्का सा, इसे निजाम भी कहते हैं. ओके, हम इसे यूं फोल्ड करेंगे इस तरह. एंड वी विल सिंपली एकदम टाइटली रोल करना है. अगर आप इसे टाइटली रोल नहीं करेंगे, इट विल ओपन अप. ओके, जस्ट रिमेंबर यू डोंट वॉन्ट दिस टू ओपन अप. ओके, और ये एकदम ब्यूटिफुल आपका रोल हो गया है तैयार. हम इसे रखेंगे साइड पे, एक और बनाएंगे जैसे कि मैंने कहा डायमंड शेप में. और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर थोड़ा फट जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इट्स ओके. ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. साइड्स पे हम ये मैदा का जो पेस्ट है वो लगाएंगे इस तरह. बहुत ही आसान है. आप इसकी फिलिंग बदल सकते हैं. अगर आप चाइनीज स्टाइल की फिलिंग बनाना चाहते हैं, आप चाइनीज स्टाइल की फिलिंग बना सकते हैं. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स टू दिस. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू बीइंग क्रिएटिव. यू नो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये फिलिंग ट्राई करें, बिकॉज यू नो वॉलनट, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ही वर्सटाइल है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. टेस्ट बहुत अच्छा करता है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नट. मुझे वॉलनट बहुत अच्छा लगता है. मैं इसे बेकिंग में तो यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं अभी, मेरी सारी फेवरेट डिशेज में मैं डालती हूँ, ताकि ऑब्वियसली यू वांट एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन. सो या, ये आप देख सकते हैं फिलिंग अंदर से दिख रही है. इसका मतलब है कि जो आपका स्प्रिंग रोल है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बना है, एंड दैट्स अ गुड थिंग गाइज. ओके,
सो हियर मैं एक और सजेशन दूंगी. हमने जो अभी मैंने आपके सामने ये जो रैपर बनाए हैं, सी इसके एजेस मोटे होते हैं, इसके एजेस आप कट कर लीजिए. अगर आप चाहें तो उसे अलग से फ्राई कर सकते हैं, अलग से बेक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट डू इट. ओके एंड सो आप मुझे पूछेंगे कि भाई कैलिफोर्निया वॉलनट की क्या ऐसी खासियत है जो दूसरे वॉलनट की नहीं है. यू नो सो एक चीज़ बताऊंगी दैट कैलिफोर्निया वॉलनट्स आर स्वीटर, यानी कि ज़्यादा मीठे होते हैं. इस वजह से आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, यू नो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएंगे आपके घर में. और इस तरीके से इट्स अ नाइस वे टू गिव वॉलनट्स टू किड्स एंड अदर पीपल ऑल्सो. सो हियर सेंटर में इसको सबसे पहले यूं फ्लिप करना है, ये यहां, ये यहां इस तरह, एंड यू सिंपली रोल इट लाइक दैट. हाउ अमेजिंग इज दिस, एंड दिस वॉज फेयरली इजी, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था. अब जैसे कि मैंने आपको कहा मैं इसे बेक करूंगी, हम इसे फ्राई नहीं करेंगे. सो बहुत ज़्यादा तेल तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वॉट वी विल डू इज इसके टॉप पे हम तेल ब्रश कर देंगे इस तरह. बॉटम पे भी थोड़ा सा तेल ब्रश करना है. एंड जब हम इसे बेक करेंगे तो बीच में से निकाल के एक और बार हम तेल ब्रश कर देंगे, जस्ट हल्का सा, एक पतली लेयर होनी चाहिए टॉप पे, एंड दैट्स इट. यू नो इट्स दैट इजी. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसे ओवन में डालूंगी. आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा. यू नो बेकिंग बहुत, आई मीन इट्स अप टू यू, आप बेक करना चाहते हैं बेक करें, डीप फ्राई करना चाहते हैं डीप फ्राई करिए. एक और तरीका है इसे पकाने का और वो है गैस पे. आप इसे तवे पे भी पका सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम तवे पे पैन फ्राई करते हैं, चारों ओर ऐसे करके थोड़ा सा टर्न कर करके आप इसे तवे पे भी पका सकते हैं. ठीक है, सो हम इसे डालेंगे ओवन के अंदर एंड देन वी कीप चेकिंग इट, और थोड़े मिनट में हम इसे चेक करते रहेंगे. ये 17 से 18 मिनट तो लेगा पकने में. ठीक है, 17 to 18 मिनट्स तो आप मान के चलिए कि ये लेगा ही लेगा. Okay, so let's set this out aside. Okay, amazing. Now, अगर आपके कोई सवाल है, मैं पहले सवाल आप सबके ले लेती हूँ, and then we will start with the second recipe. Second recipe is super nice. It is something that you're all going to love. बहुत easy kebabs हैं, बहुत ही आसान हैं ये जो kebab हम बनाने वाले हैं second वाले. So let's begin the second recipe. Okay, Harshita, starting में क्या लिया? So मैं एक बार, चलिए ये second recipe start करने से पहले जो हमारी first recipe का आटा है उसको repeat कर लेती हूँ एक बार, ताकि जिन्होंने भी late join किया है उनके लिए आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे ये मेरी spring roll का आटा है. ठीक है, स्प्रिंग रोल का आटा बनाना बहुत ही आसान है. आप आधा मैदा लीजिए, आधा आटा लीजिए, टोटल होना चाहिए 1 कप. ठीक है, करीबन 125 ग्राम आटा है. इसके अंदर मैंने डाला है 1 1 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, यानी कि कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च जो होता है वो डाला है. 1 छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है. 1 छोटा चम्मच मैंने विनेगर डाला है. 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है. एंड देन पानी से आटा लगाया है, बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं, बिल्कुल रोटी के जैसा हमें सॉफ्ट प्लायबल क्ले की तरह आटा बनाना है. उसके बाद में मैंने इसके 3 रोल बनाए, बेसिकली 3 पेड़े बनाए. उसके बाद उसे ज्वाइन करके उसे बेला है. गाइस बाय द वे, ये जो आज का सेशन है हम इसे अपलोड भी करेंगे, तो अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया है आप इसे दोबारा देख सकते हैं. ऑब्वियसली मैं लाइव आपके क्वेश्चंस सारे आंसर करूंगी, एंड या आई विल गिव यू अ रीकैप अगेन लेटर एज वेल.
हमें कितनी डिग्री पे बेक करना है, हमें इसे 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें बेक करना है फॉर 15 से 18 मिनट, 15 टू 18 मिनट्स तो लगने ही वाले हैं, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए हमारे कबाब की तैयारी करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है कुछ पनीर, ये घर का बना हुआ पनीर है। इसके अंदर मैं डालूंगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट थोड़ा सा चीज। तो देखिए, अगर आप चीज डाल रहे हैं तो आप यू कैन प्ले अराउंड, आप अमूल चीज डाल सकते हैं, प्रोसेस चीज, या फिर आप इसमें चीज स्लाइस को भी डाल सकते हैं। यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट एंड यू कैन पुट वट एवर चीज यू वॉन्ट। मैं इसमें चेडर चीज डाल रही हूँ। ओके, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज ले रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसमें चेडर चीज डाल रही हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑरेंज चेडर है हियर, सो थोड़ा सा ही जस्ट फॉर फ्लेवर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक ओ चीज़ इज़ अनहेल्दी। गाइस, चीज़ इज़ नॉट अनहेल्दी, आप चीज़ को किस चीज़ के साथ खाते हैं दैट इज़ वॉट मेक्स इट अनहेल्दी। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर। ठीक है, हमने इसमें चीज़ भी डाल दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी अदरक, तो मैं ये अदरक ग्रेट कर रही हूँ, आप कूट भी सकते हैं। बिल्कुल इस तरह। सो ये मैंने अदरक डाल दी है। इसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन चिली, तो ये गई ग्रीन चिली इसके अंदर। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, सिका हुआ जीरा का पाउडर है ये। इसमें जो कबाब की कंसिस्टेंसी है, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कंसिस्टेंसी एकदम राइट कैसे लानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम। ओके, अगेन चाट मसाला इज गोइंग टू गिव इट अ नाइस पंच, सो थोड़ा सा चाट मसाला। ऑब्वियसली जो हमारा पावर हाउस इंग्रेडिएंट है जो है वॉलनट, हम इसमें खूब सारा वॉलनट डालेंगे। सो नेक्स्ट मैं इसमें वॉलनट डालूंगी एंड देन धनिया भी डालेंगे हम। सो ये रहा वॉलनट। सो द गुड थिंग अबाउट वॉलनट इन दिस रेसिपी इज कि वॉलनट इसे बहुत अच्छा सा एक क्रंच देगा, अदरवाइज कबाब एकदम सॉफ्ट सा ही लगेगा, और इसे एक प्रॉपर अच्छा टेक्सचर देने के लिए वॉलनट से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो ये मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, हमेशा धनिया फ्रेशली कट करें। ओके, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, अगेन सरप्राइज इंग्रेडिएंट है लेकिन इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो आप कोई भी कबाब में अगर मिठास चाहते हैं, इफ़ यू वांट स्वीटनेस, ओके, द इजीएस्ट वे टू ऐड स्वीटनेस टू अ कबाब इज बाय एडिंग बिरिस्ता। ये बिरिस्ता है यानी कि फ्राइड अनियंस। ठीक है, फ्राइड अनियंस जो है ये हल्के से मीठे होते हैं। इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है, आप उसे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें दही या फिर क्रीम चीज़ यानी कि जो क्रीमी सी एक चीज़ होती है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ होममेड क्रीम चीज़ है, तो मैं इसमें होममेड क्रीम चीज़ डालूंगी। बिल्कुल, ये देखिए घर में बनी हुई क्रीम चीज़ है, बिल्कुल बाहर की क्रीम चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है। सो थोड़ा सा क्रीमीनेस और मलाई, जो मलाई टेक्सचर चाहिए हमें वो इस क्रीम चीज से आएगा आपके आज की रेसिपी में। ओके, सो इसमें मैंने लगभग सब कुछ डाल लिया है एंड नाउ यू हैव टू पुट योर हैंड्स इन एंड मिक्स इट ऑल अप। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह। अगर आप क्रीम चीज नहीं डाल रहे हैं तो जो थोड़ा गाढ़ा सा दही होता है दही भी डाल सकते हैं, थिक हंकर्ड जिसे हम कहते हैं।
ओके, जस्ट रिमेम्बर कि जो पनीर है उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए. अगर आपका पनीर थोड़ा गीला है तो उसे पहले कपड़े से ब्लॉट करके फिर ही ये प्रोसेस करें, अदरवाइज आपके कबाब में जो आपको बाइंडिंग चाहिए वो नहीं आएगी. एंड द मोमेंट आप इसमें वो सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बेसन या कुछ डालेंगे, तो जो इसका मलाई इफ़ेक्ट है, जो मखमली इसका टेक्सचर है, वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा. हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे तवे पे ही बनाएंगे. वॉलनट्स इसे ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्रंच देगा, इट गिव इट अ वेरी वेरी नाइस क्रंच. एकदम यूनिफॉर्म, बिल्कुल आटे की तरह इसे गूंदना है. एकदम एक हो जाना चाहिए ये, इट शुड बिकम लाइक अ सॉफ्ट डो. ऐसा होना चाहिए कि आपके हाथ पे चिपके ना. ओके, जस्ट रिमेम्बर ये हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए. अगर चिपक रहा है देन व्हाट यू कैन डू इज हल्का सा सिका हुआ बेसन आप जरूर डाल सकते हैं. एंड गाइस, स्प्रिंग रोल्स हैव ऑलरेडी गॉन फॉर बेकिंग. स्प्रिंग रोल्स आर ऑलरेडी इन. थोड़ा सा टेस्ट करूंगी मैं. दिस इज अमेजिंग, फैबुलस, इट्स सुपर नाइस. इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज छोटे छोटे ऐसे पेड़े बनाए इस तरह. ठीक है, हमेशा इसे पहले एक हाथ से ऐसे बाइंड करिए, हमेशा. यू नो, अगर आप कोफ्ता भी बना रहे हैं पहले उसे एक हाथ से ऐसे बाइंड करके एंड देन यू फ्लैटन इट इस तरह एंड आप इसे ऐसे शेप करें. हियर यू कैन सी बहुत ही सॉफ्ट है एंड बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, मेरे हाथ पे चिपक नहीं रहा. अगर चिपक रहा हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं. ओके, अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा थिकनेस, एक बाइंडिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली. इसे यूं ऐसे घुमाएं, प्रेस इट, वापस यूं घुमाएं इस तरह एंड अमेजिंग. हम देखिए, यूजुअली अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो कई बार ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है और काफ़ी लोग अलग अलग तरीके की कोटिंग करते हैं. मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ बताने वाली हूँ इसको कोट करने के. तो ऑब्वियसली आप इसे ब्रेड क्रम से तो कोट कर ही सकते हैं. आप इसे कॉर्नफ्लेक्स यानी कि जो सुबह का सीरियल होता है, सीरियल में भी कोट कर सकते हैं. एक और ऑप्शन जो मैं आपको बताऊँगी जिससे आप कोट कर सकते हैं वो है चना जोर गरम. ओके, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, जो चना जोर गरम होता है जो हम नाश्ते में खाते हैं, आप चना जोर गरम को हल्का सा क्रश कर लीजिए, उस पर बेलन चला लीजिए एंड देन यू कैन कोट चना जोर गरम ऑल्सो. ओके, इट विल टेस्ट रियली गुड. लेकिन हम आज ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं जो सबके घर में हमेशा होता है. ठीक है, पापड़ अक्सर सबके घर में होता है एंड सबसे अच्छी चीज़ पापड़ की ये है कि पापड़ आपको यू नो एक अच्छा फ्लेवर के साथ एक बहुत अच्छा क्रंच देगा. ठीक है, सो हियर आई हैव दीस फोर पीसेस विच आर रेडी. इसे मैं पाँच एक मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी. ओके, जस्ट 3 to 4 मिनट्स, ज़्यादा नहीं. ओके, सो 3 to 4 मिनट्स मैंने इसे फ्रिज में रखा है. In the meanwhile, I'm going to bring the papad and show it to you. So, ये रहा papad. Papad को सेकने के बाद मैंने इसे चूरा कर लिया है. बिल्कुल अच्छा चूरा कर लेना है. इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मैदा और पानी. ये काफी गाढ़ा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि ये पतला हो जाए. ओके, सो बिल्कुल पतला सा हमें बैटर चाहिए ताकि ये papad उस पर स्टिक हो जाए अच्छे से.
ओके, ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, थोड़ा सा और मैदा डाल के हम इसे सही कर लेंगे. अमेजिंग, बिल्कुल इस तरह. सो ये हो गया है तैयार. ओके, एंड बाय द वे गाइस, चना जोर गरम इज एन अमेजिंग आइडिया. बहुत ही टेस्टी बनता है चना जोर गरम के साथ में. सी पापड़, आई एम यूजिंग लिज्जत पापड़ जो होता है, मूंग दाल के पापड़ है ये. सो आई एम यूजिंग मूंग दाल का पापड़, बट यू कैन यूज एनी पापड़ ऑफ योर चॉइस, यू नो, इट्स अप टू यू. ओके, सो ये हो गया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी ब्रिंगिंग आवर कबाब बैक. सो ये रहा. अभी आपको बहुत ही पेशेंसफुली करना है ये चीज. हाथ में आप एक फोर्क रख सकते हैं ताकि हाथ गंदा ना हो, यू नो, यूजुअली हाथ नहीं तो काफ़ी गंदा हो जाता है. जस्ट पुट दिस इन इस तरह एंड इसे आप फ्लिप कर लें इस तरह. ओके, एंड फोर्क पे ही करें ताकि ये आसानी से जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो सारा निकल जाए. इसी के साथ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ये इसमें डालूंगी like that and just give it a shake. ये ऊपर से डालें यू and give it a shake इस तरह. ठीक है, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए ऊपर, बिल्कुल भी कहीं पे भी ओपन नहीं होना चाहिए, खुला, मतलब कहीं पे भी जगह नहीं रहनी चाहिए. एंड अमेजिंग, ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसे रख सकते हैं ऐसे. कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल फ्रेश ही कोटिंग करिए, ज़्यादा क्रिस्पी रिजल्ट आएगा आपका. इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे पैन में पैन गरम कर लेती हूँ ताकि हम उसमें ऑयल डाल के उसे रेडी रखें. इसे सबसे इजी तरीका है कोट करने का, एक बोल, मतलब छोटी कटोरी या कुछ भी लेकर साइड से इसके ऊपर यूं डाल के जस्ट गिव इट अ शेक. इससे क्या होगा, ना आपका हाथ गंदा होगा, ओके, बहुत इजीली ये कोट भी हो जाएगा एंड इट विल लुक परफेक्ट. इज़न दिस लुकिंग गुड? सेम ये फोर्क से करना है सबसे. अगर आप कोफ्ते कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिसमें, या कोई स्टार्टर बना रहे हैं जिसमें आपको कोटिंग चाहिए, ऑलवेज डू दिस. ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसे फोर्क से यूं करके. ये देखिए, मेरे को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छे से कोट हो जाएगा. ये देखिए, बिल्कुल इस तरह. गाइस, मैं आपको एक क्विक सा गार्निश भी करके दिखाऊंगी, जो आप यू नो प्लेटिंग भी आपको दिखाऊंगी. हियर अमेजिंग, ये देखिए, इज़न्ट दिस लुकिंग फैबुलस. सो अगेन देखिए, ये इस कबाब का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर की फिलिंग पूरी पकी हुई है, पापड़ पका हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कच्ची है. सो यू डोंट नीड टू ओवर कुक इट. ठीक है, आपको इसे ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक पकाने की भी ज़रूरत नहीं है. ये जस्ट रिमेंबर दैट वन पॉइंट कि भाई बहुत लंबे समय तक पकाना नहीं है. सो और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं चाहिए. अगेन, हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं तो आपका तेल जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा, यू नो, ज़्यादा. ओके, वी विल ट्राई कि हम इसे, मतलब जितने कम से कम तेल में हम पका सकते हैं उतने कम से कम हम तेल में से पकाएंगे. सो यहाँ पे मैंने
थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, जस्ट ताकि उसके बॉटम पे थोड़ी सी कोटिंग रहे ऑयल की। एंड गाइस ये तो बहुत ही आप देख सकते हैं कितना आसान है। जैसे अगर आप कोई कटलेट या कुछ भी बना रहे हैं घर में, तो आप उसको भी पापड़ की कोटिंग दे सकते हैं, कोई आलू के कटलेट को या फिर यू नो कोई टिक्की को। इट विल गिव यू अ वेरी नाइस क्रंच एंड अ वेरी वेरी गुड फ्लेवर। सो ये रहा तेल, अब लगभग गर्म है। ओके सो इन दिस गोस। लास्ट वन बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है, आंच तेज नहीं करनी है। अगर आप आंच को तेज करेंगे तो फिर चांसेस है कि ये जल जाएगा। सो डू नॉट गेट लाइक डू नॉट इंक्रीज द फ्लेम। इसे हम जेंटली पलटेंगे इस तरह। सी व्हाट हैपेंस इज जब आप इसे गैस पे पकाते हैं तो ऑब्वियसली जो अंदर का पनीर है, अंदर हमने क्रीम चीज़ डाली है, चीज़ डाला है, ये सब मेल्ट होगा और सॉफ्टन हो जाएगा। यू नो एंड दैट इज व्हाट वी वांट। ओके सो ये पक रहा है। ये दो एपेटाइजर्स ऐसे एपेटाइजर है जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। यू नो आई नो अभी इट्स अ लॉकडाउन एंड आई डोंट वांट कि ऐसी कोई भी रेसिपी मैं शेयर करूं जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े या बहुत सामान लेना पड़े। सो गाइज जो भी घर में सामान है उसी को यूज़ करके मेक थिंग्स। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु लाइक कुकिंग, अगर आप मेरी रेसिपीज और चेक करना चाहते हैं प्लीज़ चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नेहा दीपक शाह एंड विद बहुत सारी रेसिपीज आई कीप पोस्टिंग। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेसिपीज ऑन माई पेज, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड आपके लिए मैं जो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है उसे यहाँ पे कमेंट्स में मैंने पेस्ट भी किया है। एंड बाय द वे गाइस आज वॉलनट डे है, सो मैं वॉलनट से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट अनाउंस करने वाली हूँ, जिसके चलते आप बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्राइजेस जीत पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट लाइक लीव दिस सेशन। I'm gonna show you how to plate this up. बहुत ही easily आप इसे plate कर सकते हैं। Yes, I'm gonna show that as well. बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। अब जैसे जैसे इसे धीमी आंच पे पकाएंगे you'll see ये soft हो रहा है काफी। Oh yes, it's nice and soft and मखमली सा हो जाएगा अंदर। It's almost cooked. इसे ओवर कुक नहीं करना। आई विल नॉट रेकमेंड कि आप इसे डीप फ्राई करें गाइज, प्लीज़ इसे डीप फ्राई ना करिएगा। अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे चांसेस है कि ये फट जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट कबाब। ठीक है, ओके हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ तेल में से निकाल रहे हैं ऑलवेज थम रूल आप इसे किचन पेपर या टिश्यू पेपर पे ही निकालें। एटलीस्ट जो जितना भी एक्सेस, थोड़ा सा भी अगर एक्सेस ऑयल है, कुछ भी है, वो निकल जाता है। हमें नहीं चाहिए कि हमारी प्लेट पे यू नो एक्स्ट्रा कोई तेल या ऑयलीनेस प्लेट पे नज़र आई। यू नो दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। ओके यू सी इट्स गॉट अ नाइस क्रस्ट, इट्स इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। सो हम इसे निकाल लेंगे।
यहाँ अमेजिंग. जस्ट रिमेम्बर जो चीज़ है वो पूरी मेल्ट होके एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाली है आपकी रेसिपी को. और जो पनीर तो खैर हम जानते हैं, ये होममेड पनीर है, सो पनीर वी ऑब्वियसली नो के बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर देता है. सो हियर ये हमने निकाल लिया. थोड़ा सा आधा मिनट और हम इसे पकाएंगे लास्ट पीस को, एंड देन वी प्लेट दिस अप. इसे हम प्लेट करेंगे खूबसूरती से. सो मेरे पास यहाँ प्लेट है, लेकिन उससे पहले हम एक सैलड बनाएंगे. सैलड तो नहीं, एक्चुअली गार्निश क्यूकम्बर की, बिकॉज अगेन दही पनीर क्यूकम्बर दीज आर ऑल मैरिज मेड इन हेवन. यू नो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये कबाब. इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी डेलिकेट, अमेजिंग. इसे भी निकाल रही हूँ मैं यहाँ, एंड वी विल जस्ट कीप दिस असाइड. इसे हम रख लेंगे साइड पे. इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल, सो चलिए इसे रखते हैं साइड पे. And now let's start with the garnish and the plating वगैरह, जो बहुत ही आसान होगी. And I'm sure आप सब को easily आप उसे कर सकते हैं घर पे. Okay, so ये रहा हमारा cucumber. You know, obviously हम garnish में थोड़े walnuts use करेंगे because अच्छा texture दिखेगा walnuts का. यहाँ पे ये cucumber है, so cucumber को के ribbons बनाएंगे. ये पीलर आप यूज़ करें, नॉर्मल जो रेगुलर पीलर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए इस तरह इसके लच्छे निकालिए, जस्ट लाइक दैट. सो ये देखिए इतने खूबसूरत से इसके लच्छे निकल गए. ओके इसे हम काट लेंगे इनटू हाफ. ओके सो वी विल बी कटिंग दीज अप. ओके ये अच्छे खासे इसके रिबन्स बन गए यहाँ, सो हम इसे रख लेंगे साइड पे. मेरे पास कुछ चेरी टमेटोज है, सो चेरी टमेटो या फिर स्ट्रॉबेरीज या फिर जो भी आपको लगे कि आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं. मैं चेरी टमेटोज और थोड़ा अनार यूज़ करने वाली हूँ. सो ये रहा चेरी टमेटो. इसे हम काट लेंगे इस तरह into wedges. Okay, just like that. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये प्लेट है. अब कबाब है तो ऑब्वियसली बात है हम इसे चटनी के साथ ही सर्व करेंगे. ये मैंने एक चटनी बनाई है, सबसे आसान तरीका है यहाँ पे ये चटनी डालें और इसे यूं कॉन्फिडेंटली स्विश करें इस तरह. ओके सबसे आसान तरीका है ये. नाउ व्हाट वी विल डू इज ये जो हमने लच्छे बनाए हैं इसके हम रोल्स बनाएंगे, जस्ट लाइक दैट. यूं इस तरह हम रोल्स बनाएंगे. Here.
सबसे आसान तरीका है ये, एक प्लेट को ब्यूटीफुल दिखाने का। एंड ये आपके चेरी टमेटोज यहाँ आ जाएंगे। ऑब्वियसली ये जो वॉलनट है हम इसे, ये टेक्सचर भी ऐड करेगा काफ़ी आपकी प्लेट पे। एंड फाइनली हम थोड़ा सा अनार भी डालेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन ऑन द प्लेट, रेड भी है। अब थोड़ा सा ब्राइट एक कलर चाहिए तो उससे अनार से आएगा। जस्ट रिमेंबर कलर्स ऑन अ प्लेट इज व्हाट क्रिएट्स ब्यूटी। एंड फाइनली जो हमने कबाब यहां बनाए हैं इसे हम यहां पे प्लेट करेंगे। सो That's it. थोड़ा सा पास में रखेंगे। And this first plate is ready. It was so easy. It turns out amazing and it always looks beautiful. सबसे आसान तरीका है। Before अभी already baking चल रही है। हमारे जो spring rolls है almost ready है, लेकिन इट नीड्स अ लिटिल मोर बेकिंग, थोड़ा सा और इसे बेकिंग की जरूरत है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए स्प्रिंग रोल्स लगभग रेडी है। इसे हम एक बार फिर से ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। वी विल जस्ट ब्रश इट विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। सो हियर ऑन टॉप इसे हल्का सा आप ऑयल ब्रश कर दीजिए इस तरह। एंड वी विल पुट इट बैक इन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बस हल्का सा और कलर चाहिए इन द ओवरऑल। ओके, सो व्हाइल दिस इज बेकिंग मैं आपसे बात करूंगी अबाउट वॉलनट्स, यू नो, एंड देन वी विल प्लेट दैट अप एज वेल, यू नो। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट यू नो हैंड फुल ऑफ वॉलनट्स इज समथिंग दैट इज अमेजिंग टू ईट एवरी डे, यू नो। सो अगर एक मुट्ठी भर आप वॉलनट खाएंगे इट्स गोइंग टू कीप यू अ लॉट यू नो फिटर। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी दैट सिंस द लास्ट 40 डेज, मैं करीबन 40 डेज से वर्कआउट कर रही हूँ। एवरी डे आई ईट 1 हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स इन द मॉर्निंग, मेरे वर्कआउट के बाद में। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इवन इन माई स्किन, यू नो, माई स्किन हैज़ बिकम अ लॉट क्लियरर एंड आई फील अ लॉट मोर एनर्जेटिक। सो दीज आर थिंग्स दैट विल कम टू यू, यू नो, एडेड, यू नो। एंड ओके, बाय द वे, व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लेट मी ऑल्सो यू नो टॉक टू यू अबाउट द ओवन। कई बार मुझे सवाल होते हैं कि भाई ओवन कैसे यूज करना है। सो हियर दिस इज माई ओवन, इट्स अ सिंपल रेगुलर ओवन। सी अभी मैंने करीबन 200 डिग्रीज पे रखा है टेम्परेचर, बोथ रॉड्स आर ऑन एंड टाइमर लगाया हुआ है। सो हमेशा जब भी बेक कर रहे हैं प्री हीटिंग इज अ मस्ट। एंड साथ ही साथ जब भी आप बेक कर रहे हैं ऑलवेज, लाइक एटलीस्ट मेरी रेसिपीज, आई ऑलवेज बेक विद बोथ टॉप एंड बॉटम रॉड ऑन, दोनों रॉड्स मैं ऑन रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आई फील दैट यू नो थिंग्स बेक बेटर, यूनिफॉर्म बेकिंग होती है। अगर आप फैन ऑन रख सकते हैं फैन भी हमेशा ही ऑन रखिए, इट्स गोइंग टू गिव यू लाइक अगेन यूनिफॉर्म हीटिंग। आई ऑलरेडी स्पोक टू यू अबाउट यू नो प्री हीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, बेकिंग से पहले हमेशा रेसिपी पूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि यू नो बेकिंग इज ऑल अबाउट केमिकल, मतलब एक केमिस्ट्री है बेकिंग के अंदर। सो वंस आपने चालू कर दिया बनाना, उसके बाद देयर वोंट बी टू मच टाइम टू यू नो मेक चेंजेस।
let me show you the kebab that we've just made. You can see I'm giving you a closer look of the texture. It's really, really, really good. I love this recipe. मुझे लगता है कि सभी को पसंद आती है. It's non-fried, it's high on protein. अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं मेरी तरह जो जिम जाते हैं और जिन्हें हमेशा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अगर वेजिटेरियन है, I'm a vegetarian. So, अगर प्रोटीन आपको चाहिए, these kebabs are amazing because it has paneer, it has walnuts, which is again a protein powerhouse, and it has you know, a little bit of cheese. So cheese जो हमने डाला है वो सिर्फ flavor के लिए डाला है. And don't put too much cheese, don't make it very very cheesy. Paneer का जो natural flavor है उसे आप उभरने दीजिए. And yeah, it's very very easy. I'm going to also tell you that walnuts is it's a very versatile nut. You know, बहुत ही ज़्यादा versatile है. आप उसे baking में use कर सकते हैं, savory dishes में use कर सकते हैं, ऐसे ही चलते फिरते खा सकते हैं, मतलब it is endless. Okay, एक और चीज़ जो हम अक्सर सवाल होता है कि how do you store walnuts? So what I do is I always store my walnuts in the freezer. अगर आप लंबे समय तक यूज़ करने वाले हैं तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करिए. इससे जो वो रैंसिड है वो नहीं होंगे. यू नो, इट विल कीप द वॉलनट्स फ्रेशर फॉर लॉन्गर. और जितना जितना आप यूज़ करना चाहते हैं एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में ही स्टोर करिए. एंड इसके अलावा वी ऑल नो दैट वॉलनट्स आर फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विच आर द गुड फैटी एसिड्स. ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, बचपन से हमने ये सुना है कि वॉलनट क्योंकि हमारे ब्रेन की तरह दिखता है, ये हमारे जो कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि जो ब्रेन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो एंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट इज़ सो न्यूट्रिशियस, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. ओके, सो हमारे स्प्रिंग रोल्स बस मैं निकाल के ला रही हूँ, एंड देन वील प्लेट दोज अप. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक भी यहाँ पे नीचे शेयर की है. यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका मैं जवाब दूँ. एंड लेट्स क्विकली प्लेट द सेकेंड रेसिपी अप. सेकेंड रेसिपी में बहुत ज़्यादा कुछ प्लेटिंग इतनी है नहीं. मैं इसे स्वीट चिली सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ. सो इट्स गोना बी अ सिंपल स्वीट चिली सॉस. आई एम गोना ब्रिंग आवर स्प्रिंग रोल्स एंड दे लुक अमेजिंग गाइस. स्प्रिंग रोल्स हमारे आ गए हैं, ये हो गए हैं तैयार. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा जब भी कोई चीज निकाल रहे हैं जिसमें ऑयल यूज हुआ है, ऑलवेज ऑलवेज ब्लॉट इट ऑन टू अ किचन पेपर. यू नो, इट्स ऑलवेज नाइसर कि अगर आप किचन पेपर पे ब्लॉट करें तो. सो हियर इसे मैं निकाल रही हूँ इस तरह. एंड अमेजिंग बाय द वे, दिस पेपर कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन. अब जितनी बाहर यूज करना चाहते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं. इसे हम रख लेंगे साइड पे. ओके, सो हियर यू कैन सी आवर स्प्रिंग रोल इज रेडी. इट इज लुकिंग रियली गुड. सो सबसे आसान तरीका स्प्रिंग रोल को सर्व करने का इज इसे हम कट करेंगे. इट्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है. थोड़ा सा एक आधा मिनट मुझे रुकना चाहिए था, बट आई थिंक आई वॉज टू एक्साइटेड. हियर यू कैन सी इट इज सो नाइस. It is super nice.
फैब्यूलस. ओके सो हियर इसे हम बहुत ही सिंपली सर्व करेंगे. यहाँ पे एक छोटी कटोरी में मेरे पास कुछ स्वीट चिली सॉस है. सो दिस इज रेडी मेड स्वीट चिली सॉस एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर. बाय द वे देयर इज अ रेसिपी फॉर स्वीट चिली सॉस इवन ऑन माय पेज. सो हियर आप इसे इस तरह सिंपली सर्व कर सकते हैं. ये हो गई हमारी दो रेसिपीज बिल्कुल तैयार. यहाँ पे हमने स्पिनच पनीर एंड वॉलनट के स्प्रिंग रोल्स बनाया है एंड ये रहे हमारे कबाब्स. गाइस मैं इसे बिल्कुल पोस्ट करने वाली हूँ कुकपैड पे मेरी प्रोफाइल पे. आई बी पोस्टिंग बोथ दीज रेसिपीज ऑन कुकपैड सो यू आर गोइंग टू गेट टू चेक इट आउट. And these spring rolls are very crispy. And I hope you guys enjoyed watching today's recipes. And we'll make these very, 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 very soon. Whenever you guys do make it, please don't forget to tag me. मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी. You know, it's always nice to know, you know, when somebody cooks आपकी recipe. इसी के साथ, guys, आज से ओके कुकपैड पे हमारा एक कंपटीशन चालू हो रहा है एंड द कॉन्टेस्ट इज बेसिकली इट्स कॉल्ड द वॉलनट ट्विस्ट चैलेंज. सो प्लीज डू पोस्ट रेसिपीज यूजिंग वॉलनट्स. देर आर लॉट्स ऑफ प्राइजेस अप फॉर ग्रैब्स एंड मे यू ऑल विन. सो प्लीज डू चेक आउट यू नो कैलिफोर्निया वॉलनट्स का पेज. बहुत सारे शेफ्स मेरी तरह यू नो कैलिफोर्निया वॉलनट्स से रेसिपीज बनाते हैं. आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेगी. साथ ही साथ प्लीज डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट. सो थैंक यू ऑल एंड आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून विथ सम मोर सुपर इंटरेस्टिंग रेसिपीज. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड या जस्ट हैप्पी कुकिंग. So see you guys. Bye-bye.